हेलो फ्रेंड्स, आई एम सतीश फ्रॉम hsclasses.in एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस के साथ। फ्रेंड्स, फ्रॉम दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग मैथमेटिक्स पार्ट टू एंड दैट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का एक भी वीडियो हमारे चैनल पर नहीं है आज तक, लेकिन इस वीडियो के बाद बहुत सारे वीडियोस आने वाली, सो कीप कनेक्टेड। अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आती, सिर्फ प्रॉब्लम्स आपको नहीं समझ में आएंगे ना, अगर कंसेप्ट 100% आपको पता है तो प्रॉब्लम्स यकीनन आपको आएगा। तो यही मैं ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर ज्योमेट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ईच चैप्टर हम कवर कर सकते हैं और करेंगे ही। सो वी विल स्टार्ट चैप्टर कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिफ्थ नंबर का चैप्टर है अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड SSC बोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। कंसेप्ट मैं सबसे पहले कंसेप्ट ही स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे कि मैं बोला हूँ। सो कंसेप्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है कुछ बातें, लेकिन कुछ बातें हैं जो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। सो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, जैसे कि आपने नंबर लाइन पढ़ी है, राइट ना, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं इन पर्टिकुलर दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको पता है? एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, सो ये क्या हो गया, 1D हो गया, वन डायमेंशनल हो गया। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल एक लाइन खींचता हूँ, सो इसको पता है आप क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? वाई एक्सिस। सो एक्स एंड वाई एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। ओके, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मतलब ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल ऐसा भी बोल सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी, इतना परफेक्टली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जस्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हम टू डायमेंशनल को यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं। कैसे? एक हॉरिजॉन्टल हुआ और एक वर्टिकल हुआ। सो ये कम्प्लीटली यहाँ पर जो बोर्ड आपको दिख रहा है, वाइट बोर्ड, सो ये क्या हो गया? एक प्लेन हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। किस क्या बोलते हैं हम? एक्स वाई प्लेन। एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में जो आता है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। एक्सिस तो बहुत दूर दूर है, यहाँ पर भी दूर है, तो जितना भी उसमें उसके अंडर जो एरिया आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। इज इट? नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपको पता है सबसे मिडल में क्या होता है? ओरिजिन होता है, जिसके कोऑर्डिनेट 0 and 0। कोऑर्डिनेट अगर आपको पता नहीं तो सिंपली मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। सपोज मान के चलिए ये नंबर लाइन है, ओके, नंबर लाइन, और यहाँ पर है आपका 0, यहाँ पर है आपका 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर -1 है, -2 है, मान के चलिए कम्प्लीटली यहाँ पर हम इंटीजर्स दिखा रहे हैं, ऐसा मान के चलते हैं। सो यहाँ पर सपोज मैं इस यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक लेटर से इसको डिनोट कर रहा हूँ, ABC, यहाँ पर मैं O, यहाँ पर मैं P एंड Q। सो यहाँ पर ABCOPQ इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट्स। एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट्स, जो पर्टिकुलर पॉइंट है, सपोज ए है या फिर ओ है, तो ए पॉइंट क्या करता है? कुछ ना कुछ यहाँ पर नंबर शो कर रहा है। नंबर क्या शो कर रहा है? यहाँ पर 1 शो कर रहा है। सो ए का कोऑर्डिनेट बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? ए का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 1 है, मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा नंबर शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। सो सिंपल है, यहाँ पर ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 and 0। 0 क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट होता है। अगला 0 क्या होता है? यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पर मैं 0 0 नहीं लिखता, आपको पता है ऑलरेडी इसीलिए, ओके। बट यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर नंबर ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि 1 2 3 and 4। इस साइड पर भी हम यहाँ पर नंबर ऐड कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर -1 होता है, बिकॉज दिस इज नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स होते चले जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओके। बट ये मैं क्या, ये क्यों बता रहे हैं हम, बेसिक बहुत डिटेल्स में देख रहे हैं, क्योंकि आपको समझना आना चाहिए। सपोज ये ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट, ओके, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। अगर मैं आपको बता दूँ ए पॉइंट, ये जो ए पॉइंट है जो कि कोऑर्डिनेट इसका 1 है, यहाँ पर बी पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर 4 है, कौन सा कोऑर्डिनेट अगर मैं पूछूँ तो कौन सा बताएंगे आप? यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का हम यहाँ पर विचार कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 1 एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 4,
राइट अगर मैं यहाँ पर पूछूं आपको कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को हम डी से डिनोट करेंगे एंड यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ए बी अगर मैं लिखता हूँ, डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर कितना यूनिट है, ये यूनिट्स है राइट, वन से लेकर फोर तक। हमें क्या करना है, जस्ट ये वन यूनिट, टू यूनिट एंड थ्री यूनिट, हमें यहाँ पर बोलना है थ्री यूनिट इसका डिस्टेंस है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं राइट। सो इसके लिए एक फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, जैसे कि फोर माइनस वन, फोर माइनस वन यहाँ पर थ्री ही आ जाएगा, यहाँ पर क्या है फोर, यहाँ पर वन क्या है, सो ये बिगर कोऑर्डिनेट एंड ये है स्मॉलर कोऑर्डिनेट, यही आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला है, अगर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर या फिर वर्टिकल एक्सिस पर होता है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमने देखा है अभी एक्स एक्सिस के लिए, सिमिलरली हम वाई एक्सिस के लिए भी कर सकते हैं ऐसा। कैसे, सपोज ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है आर, वन टू एंड थ्री, ये नीचे क्या होता है डाउनवर्ड, ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस, माइनस वन माइनस टू, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम आर यस एंड देन टी। अगर मैं यहाँ पर पूछूँ डिस्टेंस ऑफ पी एंड टी, सो डिस्टेंस ऑफ पी एंड टी, हमें डिस्टेंस किसका निकालना है, पी टी का। सो यहाँ पर है पी, ये पॉइंट है पी एंड ये पॉइंट है टी, डिस्टेंस ऑफ पी टी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें, सो हम गिन सकते हैं वन टू एंड थ्री, कितना आया थ्री। सो मैंने जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला में यहाँ पर बता चुका था, क्या बताया मैंने, बिगर कोऑर्डिनेट। सो बिगर कौन सा है, वन है या फिर माइनस टू है, ऑफकोर्स वन है, बिगर कौन सा है वन, सो वन माइनस, स्मॉलेस्ट कौन सा है या फिर स्मॉलर कौन सा है, माइनस टू, सो यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, वन माइनस माइनस टू, सो वन एंड दिस प्लस टू, सो यर थ्री अगेन, सो दिस इज थ्री डिस्टेंस। सो ये तो हमने देखा है वेन एवर ओनली वन एक्सिस इज कंसिडर, मतलब एक ही एक्सिस अगर कंसिडर करते हैं उसके दिए हुए पॉइंट्स को, भले वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, तो भी हम कर सकते हैं बाई यूजिंग फार्मूला बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। बहुत ही सिंपल है, ये फार्मूला कहीं पे मिलेगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको सिंपली कैसे करना है राइट। सो ये हमने देखा है वेन एवर ओनली वन एक्सिस इज कंसिडर, तब हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये कोई एक्सिस पर ही पॉइंट नहीं है, दो पॉइंट्स अगर हमें निकालना है डिस्टेंस, तो तब क्या करेंगे, वो भी हम केस यहाँ पर देखने वाले हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम दूसरा केस यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, व्हेनेवर टू पॉइंट्स नॉट ऑन द पर्टिकुलर एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस ये क्या है, इसको हमें हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, बस इतना ही दिख रहा है। यहाँ पर वाई एक्सिस पर ये तो कुछ लेना देना है ही नहीं, बट इनका हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, ए एंड बी का, सपोज उनका कुछ कोऑर्डिनेट नहीं दिया, तब हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल है। क्या करना है हमें, जस्ट सपोज ये हम ऐसे जोड़ते हैं और देखते हैं कि उसका पैरेलल कौन सा है, तो पैरेलल क्या है, ऑफकोर्स एक्स एक्सिस इसको क्या है, पैरेलल है, सपोज लाइन ए बी को क्या है, ये एक्स एक्सिस पैरेलल है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसा एक्स एक्सिस पर, जो पैरेलल है उस एक्सिस पर। यहाँ पर तो एक्स एक्सिस है, हम इसीलिए एक्स पर यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है, परपेंडिकुलर मतलब जहाँ पर 90 हो रहा है राइट ना। सो यहाँ पर ए एंड बी के हमें कोऑर्डिनेट मिल गए, ए का मिल गया है 1 एंड बी का मिल गया यहाँ पर 3। सो हम यहाँ पर अभी डिस्टेंस निकाल सकते हैं ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना हुआ, यहाँ पर बिगर कोऑर्डिनेट 3 एंड स्मॉलर कोऑर्डिनेट 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 2, सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज 2। सो ये भी आपको केस समझ में आ गया है, वेन एवर टू पॉइंट्स आर पैरेलल टू द ओनली वन एक्सिस, इट मे बी एक्स और इट मे बी वाई एक्सिस, सपोज ये पॉइंट एक यहाँ पर होता और यहाँ पर ये होता, तो ये वाई एक्सिस को पैरेलल होता, तो हम क्या करेंगे, सिंपली वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, पर्टिकुलर हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ले लेंगे और उनका सब्सट्रैक्शन करेंगे। सो यहाँ पर तो हमें समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर एक्सिस पर पॉइंट है, एक पर्टिकुलर एक्सिस को पैरेलल पॉइंट है, तो उनका हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो पॉइंट पैरेलल भी नहीं है और किसी भी एक्सिस पर भी नहीं है, तो तब हम उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, यही हमारा मेन पर्पज़ है फॉर एक्सरसाइज नंबर 1 फ्रॉम दिस चैप्टर। तो वो पॉइंट कैसे है, सपोज मान के चलिए एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट सपोज यहाँ पर है, तो ये पॉइंट अगर मैं इस लाइन से जोड़ दूँ
तो एक लाइन किसी भी एक्सिस को पैरेलल तो नहीं ना, एक्स एक्सिस को भी पैरेलल नहीं, वाई एक्सिस को भी पैरेलल नहीं, तो इन पॉइंट का हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। सो इसको निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें उन पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। सपोज यह पॉइंट है ए और यह पॉइंट है बी, तो इसका हमें एक्स कोऑर्डिनेट भी पता होना चाहिए और इसका हमें y कोऑर्डिनेट भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली x पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, y पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसका जो x कोऑर्डिनेट है हम इसको x1 डिनोट करेंगे और इसका जो y कोऑर्डिनेट है हम इसको y1 डिनोट करेंगे, और इसका जो x कोऑर्डिनेट आएगा जो भी आएगा इसको हम x2 डिनोट करेंगे, एंड इसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा जो भी आएगा इसको हम y2 से डिनोट करेंगे। एक जो पॉइंट है वो कंप्लीट तभी माना जाता है जब हमें उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पता हों, एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, पी फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो माइनस फोर है एंड थ्री है। सो एक्स कोऑर्डिनेट इसका माइनस फोर एंड वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया है, थ्री हो गया। सो ये पॉइंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, माइनस फोर किस साइड पर आएगा, एक्स पर, एक्स निगेटिव पर आएगा, थ्री ऊपर के साइड पे आएगा। तो हम यहाँ पर सपोज मान के चलिए यहाँ पर माइनस फोर है तो माइनस फोर एंड थ्री वाई पर, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, राइट, पी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा हम ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ड्रॉ करने के लिए यानी कि पॉइंट प्लॉट करने के लिए भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, आपको ग्राफ पेपर पर बहुत ही अच्छे से प्लॉट करने हैं, आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। सो अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर रैंडमली कोई भी पॉइंट है ए एंड बी, जिन पॉइंट्स के हमें दोनों दो दो पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेट्स पता है, एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल एक फार्मूला है और उस फार्मूले को हम बोलते हैं फार्मूला फॉर डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस फार्मूला। आइए डिस्टेंस फार्मूला कैसा आया, कहाँ से आया, इसको आपको कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट हम फार्मूले से चलेंगे। फार्मूला सिंपल है इसलिए हमें एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है फॉर टेंथ क्लासेस के लिए। सो फ्रेंड्स लेट्स सी व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द एक्स वाई प्लेन। सो सी हियर, सपोज ए पॉइंट एंड इट्स हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वन, वाई कोऑर्डिनेट वाई वन, एंड बी पॉइंट हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट एक्स टू एंड वाई कोऑर्डिनेट हैज़ y2. Let's see, these are any two numbers like as 3, 4 and these suppose 5 and minus 6 suppose. Kuch bhi le sakte, no problem. Ek just example. So, iska hume distance find karna hai. Ye xy plane ke andar hi aate hai. X, x, y, y. Right now. So, xy plane ke andar. Matlab, तीसरा कोऑर्डिनेट नहीं ना यहाँ पर, तो दो ही कोऑर्डिनेट आएंगे जो कि एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर, मतलब रिस्पेक्टिव एक्सिस पर, कम्प्लीटली एक्सिस पर नहीं आएगा लेकिन हम बता सकते हैं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है और वाई कोऑर्डिनेट ये है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम स्टूडेंट की लाइन है, सपोज लाइन एंड रोज है, अगर आप स्कूल में बैठे हैं क्लासेस में बैठे तो हम बता सकते हैं स्टूडेंट पर्टिकुलर इस रो में है और इस कॉलम में है, तो वैसा ही पॉइंट हम बता सकते हैं यहाँ पर, वही है एक्स वाई प्लेन, राइट। सो इसका जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, सपोज हम डिस्टेंस कैसे यहाँ पर डिनोट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो इसका फार्मूला है अंडर रूट अंडर स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर। सिंपल फार्मूला, बहुत ही सिंपल फार्मूला। क्या करना है, सिंपली एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक वन एक्स वन एंड उसका स्क्वायर लेना है, प्लस प्लस क्या करना है वाई टू माइनस वाई वन, सो ये वाई टू माइनस वाई वन लेना है, स्क्वायर करना है एंड इनका कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मतलब अंडर रूट जो भी ये स्क्वायर रूट है उनका लेना है तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। ये फार्मूला सेम टू सेम हम दूसरे एंगल से भी लिख सकते हैं, दूसरे वे से भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट आपको ध्यान रखना है, दिस फार्मूला कैन बी इम्प्लाइज लाइक दैट एक्स वन माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू स्क्वायर, बट हम मैक्सिमम केसेस में यही फार्मूला यूज़ करेंगे, जो पहला वाला फार्मूला है यही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, दूसरा वाला फार्मूला भी यूज़ करते हैं, बट आपको केस ध्यान रखना है, ये नोट ध्यान रखना है कि
कि ये दोनों फॉर्मूले सेम है. सो फ्रेंड्स, दिस इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला. कैन कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एक्स वाई प्लेन. सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए. ये हमारी शुरुआत है ज्योमेट्री या फिर मैथमेटिक्स पार्ट टू की क्लास टेंथ के लिए. लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा. कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट जो हमने देखे वो कैसे हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही वाले. लेकिन आपका काम ध्यान है आपको बताने कि इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा है. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.